हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी स्टूडेंट जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो कि 24 फरवरी को आप लोगों को देखने को मिलेगा 801 सौ एक एच एफ को याद करो स्पोर्ट का पेपर जरूर से जरूर आपके पेपर में आने वाला है सारे बच्चे के यहाँ शेयर कर दो हजार पच्चीस का पेपर आप देख पा रहे हो मेरे प्यार बच्चों और सारे बच्चे का सत्तर में सत्तर नंबर आएगा पूरा का पूरा सोल्यूशन बता हुआ एक भी क्वेश्चन छोड़ा रहे मेरे प्यार बच्चों को वीडियो को जरूर लाइक कर देना चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना पेपर की अगर एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हो ना तो पूरा का पूरा एक बार इस वीडियो को देख के जाना मेरे प्यार जब एग्जाम हाल में बैठोगे जब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तब आप कमेंट करना आके मेरे प्यार बच्चों की हाँ सर आपने क्या पेपर बताया था मेरे प्यार बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसा दूंगा यहाँ से यहाँ पे अनुक्रमाक अपना रोल नंबर जरूर से जरूर दस अंकों का डाल लीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिएगा इसके बाद मेरे प्यार इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो समय दिया गया है घंटे पंद्रह मिनट का समय दिया गया इस पेपर को हल करने के लिए और यहाँ पे निर्देश दिया गया निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी मैं पूरा, का पूरा निर्देश पढ़ के आप लोगों को पूरा समझाऊंगा पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के पंद्रह मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है बोला है कि प्रारंभ के मतलब मेरे प्यार बच्चों शुरू के शुरू के।, के जो पंद्रह मिनट आपको मिलेंगे उसमें इस पेपर को आप पढ़ोगे और तीन घंटे में इस पेपर को आप सॉल्व करोगे दूसरा निर्देश बोला है कि प्रश्न पत्र दो खंड खंड था था खंड में विभाजित मतलब यह पेपर जो है दो खंडों में बना है एक तो खंड अ में दूसरा खंड बम में मतलब दो खंडों में यह पेपर बना हुआ है तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में वो विकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओ शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें कहने का मतलब है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में खंड अ में अब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न और उनका उत्तर आपको कहाना होगा वो एम आर शीट पे देना होगा नीले पेन से रंग सकते हैं या काले पेन से रंग सकते हैं पेन लेकिन बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए जेल वाला पेन नहीं होना चाहिए बॉल पॉइंट पेन हो सकता है डॉट वाला पेन जिसे बोलते हैं इसके बाद चौथा निर्देश है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक नंबर का पूछा जाएगा अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपके खंड में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा कितने नंबर के लिए 20 नंबर के तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाएगा खंड अ में इसके बाद है पांचवा कि प्रश्न पत्र के के खंड अ प्रश्न हेतु एक घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु दो घंटे का समय निर्धारित है मतलब कि खंड अ के प्रश्नों तो 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 प्रश्न को हल प्रश्न करने हेतु घंटे का समय दिया जाएगा और खंड ब को प्रश्नों को हल करने हेतु दो घंटे का समय दिया जाएगा मेरे प्यारों इस वीडियो को पूरा देखोगे तो खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको पांच मिनट के अंदर में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दोगे बाकी पूरा का पूरा समय आप किस में दोगे खंड ब के प्रश्नों को करने में लगा दोगे इसके बाद अगला है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि वो प्रश्न एक नंबर का है या दो नंबर का है या चार नंबर का है या छह नंबर का है जितना भी नंबर का होगा उसके सामने आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा देखिए पेपर आप लोगों का स्टार्ट यहां से है सबसे पहले आया है देखिये खंड और खंड अ में मेरे प्यारों सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है पहला प्रश्न देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल दिया जो कि कभी आप भूल नहीं पाओगे बहुत सिंपल है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं ध्रु स्वामी नाटक के लेखक हैं इन चारों ऑप्शनों में से कौन है सबको मालूम है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है जयशंकर प्रसाद जी हैं बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और देखिए प्रश्न कितने नंबर के लिए एक नंबर के लिए पूछा गया है वही अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न को लेकर दूसरा प्रश्न है गोदान किस युग का उपन्यास है तो गोदान किस युग का उपन्यास इन चारों ऑप्शन में से मेरे वह है शुक्ल युग के शुक्ल युग के ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोदान किस युग का उपन्यास है शुक्ल युग का उपन्यास है यह भी प्रश्न एक नंबर का है मेरे प्यार जो पूरा को पूरा बीसो के बीसों क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ इसके बाद तीसरा प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक है तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है अमृत राय जी यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय यह भी प्रश्न एक नंबर के लिए पूछा गया हुआ है चौथा प्रश्न मेरे तितली कृति की विधा है तितली जो है वो कृति है किस की विधा है कहानी की है कि जीवनी के उपन्यास के नाटक मेरे प्यार उपन्यास कृति की विधा है इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का सी और ये भी प्रश्न एक नंबर के लिए पूछा गया है आगे देख लीजिए मेरे प्या प्रश्न नंबर पांचवा प्रश्न नंबर पांचवा एक रीतिकाल की रचना है अब रीतिकाल रीतिकाल की की रचना रचना इन चारों ऑप्शन ऑप्शन में से कौन है 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 तो तो रामचंद्रिका इसलिए डी वाला जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये भी प्रश्न एक नंबर के लिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सिक्स ललित ललाम के रचयिता है तो ललित ललाम के रचयिता इन चारों ऑप्शन में से कौन है वह है आपके मतिराम जी कौन है मतिराम बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वे भी प्रश्न एक नंबर के लिए पूछा गया है आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर सातवां आधुनिक काल की समय अवधि है तो आधुनिक काल की समय अवधि से लेकर वर्तमान तक डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये भी प्रश्न है एक नंबर के लिए पूछा गया है प्रश्न नंबर आठवां देखिए क्या है महादेवी वर्मा कावित्री है महादेवी वर्मा कवित्री है मतलब किस युग की कवित्री है महादेवी वर्मा तो वह है छायावादी युग की की छायावादी युग की सी वाला ऑप्शन जो हो ये भी है आप लोगों को पूरा का पूरा सोलूशन बता ये भी छोड़ नहीं रहा हूँ प्रश्न क्या है, बोला कि सोधरा, रचना है। तो सोधरा किन की रचना है मेरे बच्चों तो यशोधरा की अगर हम बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी की मैथिली शरण गुप्त जी के डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये भी प्रश्न एक नंबर के लिए पूछा गया आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दसवा प्रश्न नंबर दसवा है कि रसिक प्रिया के रचनाकार हैं तो रसिक प्रिया के रचनाकार तो आपके आचार्य केशव दास जी है तो पहला जो लिए के लिए, एक के लिए है। तो प्रिया के रचनाकार आचार्य केशव दास जी देखिए मेरे प्यार अगला प्रश्न प्रश्न नंबर ग्यारह देखिये प्रश्न नंबर ग्यारह क्या है प्रश्न नंबर ग्यारह है कि शोक विकल रो वही सबरानी रूपशील बल तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकार पर ही भूमितल बारह ही बार उपयुक्त पंक्ति में रस है मतलब जो पंक्ति मैंने पढ़ा है ये ऊपर पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया ये भी प्रश्न नंबर के लिए मेरे पूछा गया है और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बात अगर हम करें तो इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ये तो ग्यारह का डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे बात करते हैं प्रश्न नंबर बारह को लेकर बोला है कि वह सरल विरल काली रेखा तमके तागेसी जो हिलडुला कह रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है भी प्रश्न कितने नंबर के लिए पूछा गया है 1 नंबर के लिए है तो इसमें उपमा अलंकार है भूलिएगा मत मेरे प्यारों बच्चों एक प्रश्न को दो तीन बार प्रैक्टिस करके जाइएगा लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चंस गलत करके आना नहीं है प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए कह रहा है करा कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी कह इन पंक्तियों में छंद है मतलब तो किस छंद का प्रयोग किया गया है तो रोला छंद का प्रयोग किया गया है 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 वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर के लिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर फोर्टीन देखिए क्या है कह रहा है कि संभव है आज वर्षा हो कह रहा है कि संभव है आज वर्षा हो कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है मतलब किस प्रकार का यह वाक्य है कि संभव है आज वर्षा हो तो ये मेरे प्यार क्या है संदेह वाचक कैसा वाक्य है संदेहवाचक है बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तो संभव है आज वर्षा हो संदेहवाचक वाक्य अभी प्रश्न कितने नंबर के लिए एक नंबर के लिए है आगे देख लीजिए अगला प्रश्न नंबर पंद्रह मेरे पैर बच्चों बोला कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया तो अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया कह रहा वाक्य में प्रयुक्त तो वाच्य है वो वाच्य पूछा है ये भी प्रश्न एक नंबर का है तो कैसा वाच्य मेरे बच्चों तो कर्म वाच्य है क्योंकि अध्यापक के द्वारा कक्षा का क्या लिया गया जायजा लिया गया तो कैसा वाच्य है

तो तिरंगा में कौन सा समास है मेरे प्यार उच्चो तो अगर हम बात करें तो इसमें द्विगु समास है सी वाला ऑप्शन की अगर हम बात करें तिरंगा में कौन सा समास है द्विगु समास आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर उन्नीस अश्व शब्द के, है। तो सब्द के प्रवाची हैं तो अश्व शब्द के प्रवाची भी प्रश्न एक नंबर के लिए है तो अश्व शब्द के प्रवाची आपके तुरंग और है तुरंग और है जो है वह अश्व मतलब घोड़ा के प्रवाची शब्द है तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर बीस देखते हैं चलिए मेरे प्यार आगे देखते हैं प्रश्न नंबर बीसवा कर तद तद जो है स्त्रीलिंग है तो तद शब्द का अगर हम बात करें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा तो तद शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा ये भी प्रश्न एक नंबर के लिए है तो हो जाएगा तासु क्या मेरे तासु, वाला अच्छा, जो राइट हो जाएगा तो में बता दिया। सारे बच्चों का बीश में सही होना चाहिए पांच मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन करके चलेगा वो एम आर शीट पे अब यहाँ से स्टार्ट होता है ब और ब में मेरे पैरों को वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे पचास नंबर के खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न और प्रश्न नंबर इक्कीस से स्टार्ट है प्रश्न नंबर इक्कीस है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्न के उत्तर दीजिए तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्न के उत्तर दीजिए तीन प्रश्न है दो दो नंबर के हिसाब से छ नंबर दिया जाएगा ये देखिए मेरे प्यार वाला गद्यांश यहां से स्टार्ट होता है इसमें भी दो ऑप्शन है क वाला कीजिए या अथवा करके एक ऑप्शन ख वाला दिए ये कीजिए तो दोनों में से कोई एक ही करना है लेकिन दोनों का सोल्यूशन बताऊंगा जो आपको आसान लगेगा वो एग्जाम में करके आइएगा क वाला देखिए क्या है वाला है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था भग्न चूड़ा गुलमो से ढके हुए प्राचीर के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी जहां पंचवर्षीय भिच्छू गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालो में एक स्त्री पाठ कर रही थी में ठीक है अब मेरे प्यारों आप लोगों का गद्यांश है और इस गद्यांश के नीचे तीन प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए दो नंबर इस पे दिया जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए दो नंबर इस पे मिलेगा धर्म चक्र कहाँ स्थित था दो नंबर पे मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग अ वाला प्रश्न देखेंगे गद्यांश का संदर्भ ये जो गद्यांश दिख रहा है मेरे इसका हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे देखेंगे संदर्भ तो चलिए इसका सोलूशन देख लेते हैं तो देखिए का आग, का अ अ सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालिए लिखेंगे कि प्रस्तुत गद अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं तो इसमें दो ही चीज याद रखना है किस चैप्टर से लिया गया है ममता नमक कहानी है। इसके लेखक कौन प्रसाद तो बाद, बाद है रेखांकित अंशों की व्याख्या की कीजिए मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया अंडरलाइन यहाँ तक किया गया है भग्न चूड़ा से ढके हुए प्राचीन ईटो के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने शीतल को कर रही थी यहां तक अंडरलाइन किया गया इसका हमें क्या बताना है व्याख्या बताना है तो व्याख्या बताना मेरे प्यार देखिए कैसे इसका व्याख्या लिखेंगे रेखा की तंश की व्याख्या हेडिंग बना लीजिए और लिखेंगे श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काशी भारत का पवित्र जो है तीर्थ स्थल है काशी जो है जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि काशी जो है वो भारत का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है इसके उत्तर में जो है वो सारनाथ है जहा बौद्ध जो है भिक्षुकों के बौद्ध विवाहार टूटकर खंडरों में बदल चुके थे इन बौद्ध विवाहों के मौर्य के राजाओं तथा गुप्त कालों के सम्राटों ने उसको क्या किया था बनवाया था इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला एवं शिल्प कला के बेजोड़ नमूने अब भी क्या होते हैं स्पष्ट दिखाई दे रहे थे जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति का गान करते प्रतीत हो रहे थे इन भवनों के शिखर टूट चुके थे खंडरों की दीवारों पर घास भूस तथा लताएं उगाई थीं, टूटी फूटी ईटे के ढेर जो है इधर उधर बिखर पड़े थे और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य भारतीय कला। ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट कला अब अपने को भी शीतल कर रही थी इसका मेरे पैर चूप व्याख्या पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक दो बार पढ़ लीजिएगा अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा फिर अपने आगे बात करते हैं तीसरा प्रश्न कर धर्म चक्र कहाँ स्थित था इसको भी बताना पड़ेगा ना तभी दो नंबर मिलेगा तो इसका उत्तर देखिए लिखेंगे सवाल कि धर्म चक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में मतलब सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था ठीक है यह भी प्रश्न बता दिया दो नंबर यहां से क्लियर हो गया तो ये तो क वाला था अगर ये क वाला नहीं करना आप चाहेंगे इस वाले को तो ऑप्शन में ख ख वाला दिया है वाला क्या है अजंता संसार का चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है इतने प्राचीन काल के इतने सजीव इतने गतिमान इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने उसी के नीचे लिखेगा अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वस्त्र की चित्रकला को प्रभावित किया उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकार प्रभाव से जो है वंचित न रह सका यह मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश है इसके नीचे भी तीन ही प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए जिसमें संदर्भ बोला जाता है दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए इसमें भी दो नंबर मिलेगा अजंता की कला का प्रभाव किन किन देशों पर पड़ा दो नंबर इसमें मिलेगा तो पूरा डिटेल में बताएंगे अगर ये आसान लगेगा तो इसको एग्जाम में करके चले तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हूँ कि इक्कीस का ख का अथवा तो इक्कीस का ख का ठीक है अब मेरे पैरों से लिखिए यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ ठीक है लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ग खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत स्वरणपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उदरित है तो आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है आप बस लिख लीजिएगा पाठ का नाम अजंता और यहाँ पे लेखक का नाम भगवत स्वर उपाध्याय जी इतना भी दो लाइन का लिख दोगे ना तो आपको नंबर दे दिया जाएगा इतना भी कोई जरूर है कि इस तरह लिखोगे तभी नंबर दिया जाएगा क्योंकि इसमें स्पष्ट पूछा है यहाँ पे कि पाठ का नाम तो यहाँ पाठ का नाम अजंता लेखक का नाम आपके भगवत स्वरण उपाध्याय जी बस ये दो टॉपिक लिखोगे तभी आप लोगों का नंबर जो है दो नंबर पूरा मिल जाएगा कोई जरूरी है कि इस तरह आप लिखोगे चलिए दूसरा क्या है रेखा की तंस की व्याख्या कीजिए अंडरलाइन कहां तक किया गया है? यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन किया गया है कि उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकार प्रभाव से वंचित न रह सका ठीक है इसका हमें व्याख्या बताना है तो चलिए इतनी लाइन का हम व्याख्या यहाँ पे है, देखते हैं तो यह होगा रेखांकी तंस की व्याख्या हेडिंग डाल लीजिएगा लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि अजंता की चित्रकला का विशेष प्रभाव अपने देश पर ही नहीं विदेश की चित्रकलाओं पर भी क्या है पड़ा है जैसे आपका चीन हुआ जापान हुआ इंडोनेशिया हुआ आदि पूर्व के देशों में इसके जैसे प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं साथ ही अगर हम बात करें तो ईरान मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला भी इसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं कर सकी है यह उसका क्या है व्याख्या है यह भी क्लियर है नोट कर लीजिए मेरे प्यार बच्चों इसके बाद एक प्रश्न और अजंता की कला का प्रभाव किन किन देशों पर पड़वा यह भी बताना पड़ेगा ना तभी दो नंबर मिलेगा तो हम लोग लिख देंगे सिंपल की अजंता कला का प्रभाव जो है ना वो चीन जापान इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों के साथ साथ ईरान मिस्र आदि पश्चिमी मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला पर भी पर्याप्त रूप से क्या हुआ पड़ा ये इतना ही आपको लिखना है दो नंबर यहाँ से क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे आपको चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर नंबर प्रश्न का दोनों मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है 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 प्रश्न प्रश्न नंबर नंबर से स्टार्ट होता देखिए क्या कि दिए गए पद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए छह नंबर अभी हमने गद्यांश कर क्या है ये पद्यांश है पद्यांश भी सेम उसी तरह होता है ये भी छह नंबर का है तो इसमें भी आपका क दिया है ख दिया है क्या क वाला कीजिए ख वाला कीजिए क वाला क्या है कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दम मग में डग दे झलकी भरी भाल कनी जलकी पूट सुखी गए मधुराधर वे फिरी बुझती है चलनो अब केतिक परड़कूटी करी हो कित है तीय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारू चली जल चुए ठीक है यह मेरे प्यार चुप पद्यांश है और इस पद्यांश के नीचे तीन प्रश्न प्रस्तुत पद्यांश का सन्दर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए इसके बाद पर्ण कु में समास विग्रह और समास का नाम भी लिखिए तीसरा पर्ण कुटिकारी हो कि तो है, कौन सा अलंकार है तो तीन प्रश्न है दो दो नंबर के हिसाब को नंबर आपको दिए जाएंगे ठीक है तो चलिए एक एक प्रश्नों का सलूशन देखते हैं पहला देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या तो चलिए देखते हैं मेरे प्यार बच्चों तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों सबसे पहले संदर्भ देखिए बाईस का क संदर्भ संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, तो में संकलित वनपथ शीर्षक कविता से अवतरित है तो काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक कविता से अवतरित है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए हैं ठीक है ठीके? इसके बाद इसमें प्रसंग भी लिखना होता है प्रसंग का मतलब होता है कि इस पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों के बारे में बात किया गया उसे प्रसंग बोलते हैं तो प्रसंग में लिखेंगे कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट को मार्मिक वर्णन किया हुआ है चलिए देखते हैं अब इसका हम व्याख्या देखने वाले हैं ठीक है तो इसका व्याख्या देखने से पहले मैं एक बार फिर दिखा देना चाहूंगा ताकि आप उस पद्यांश को एक तरफ देख लीजिए देखिए यहां से यहां तक पद्यांश है इसी का हम लोग हिंदी में व्याख्या करने वाले हैं देख लीजिए एक बार दिखा देता हूँ इसके बाद में इसका व्याख्या बताता हूँ आप लोगों को देखिए चलिए इसका व्याख्या आप नोट कीजिए व्याख्या डालीजिए लिखेंगे कि राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे दो कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद जो है झलकने लगी और उनके सुंदर थकान के कारण सूख गए तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा अभी हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे तो अंतर्यामी श्री राम जी बोलते हैं सीता जी की व्याकुलता के कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती के राजमहल नेत्रों में आंसू टपकने लगे यह मेरे प्यार हो चुके इसकी व्याख्या है बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया है इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पर्णकूटी में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए कोई बात नहीं इसका देखिए सोलूशन

चलिए आगे बात करते हैं तो ये तो क वाला था तो का वाला का पूरा मैंने बता दिया अगर का वाला नहीं करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिएगा अथवा करके ख वाला क्या है कह रहा है कि तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्गसी कह रहा है कि सुगद सगल विभो की आकार धरा सिरोमी मातृभूमि में धन्य हुए हों जीवन पाकर तुम जिसका जल अनग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको है वीरो के वंशज ठीक है यहां से यहां तक है अब इसके नीचे भी आपको सेम तीन प्रश्न देखने को मिलेंगे दो दो नंबर के हिसाब से मिलेंगे आपको प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए दो नंबर आपने अपनी भारत भूमि से प्रेम क्यों होना चाहिए मतलब अपने हमें अपनी भारत भूमि से प्रेम क्यों होना चाहिए दो नंबर धरा शिरोमणि में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए दो नंबर यहाँ पे तो एक एक करके पूरा सलूशन देखे सबसे पहले तो हम लोग प्रद्यांश हिंदी में व्याख्या देखेंगे तो चलिए सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हूं का खो का का ख अथवा उत्तर सबसे पहले संदर्भ चलिए लिखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कविता से अवतरित है और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है तो स्वप्न से लिया गया है स्वदेश प्रेम से इसके जो रचिता रामदरेश त्रिपाठी जी हैं क्लियर है, है? चलिए प्रसंग भी लिखेंगे हम लोग हड्डी बना लीजिए लिखेंगे इन पंक्तियों में कवि ने इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा जो है वो प्रदान की है अब हम देखने वाले हैं व्याख्या व्याख्या देखने से पहले एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा इसको पूरा का पूरा कि भाई देख लीजिए यही वो पद्यांश है जिसका हम हिंदी में व्याख्या करने वाले हैं एक नजर देख लीजिए अच्छे से इसके बाद इसका व्याख्या यहां से नोट कीजिए व्याख्या में लिखेंगे कि देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि भारतवासियों से कहता है कि विभू विश्वत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं जो आपको अपनी भारत भूमि से तो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से युक्त समस्त वैभवों से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है सभी देशों की धरती की अपेक्षा इन धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल होता है तुम धन्य हो कि जो तुमने यहा जन्म पाया है और यहाँ का अन्न खाकर पानी पीकर इसी धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हो तब शरीर के रहते हुए है वीरों के वंशज तुम इसको कैसे त्याग दोगे अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा पाला कर्तव्य है यह उसका क्या है मेरे प्यारों व्याख्या है पूरा डिटेल में इसका व्याख्या मैंने लिखा है इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि हमें अपनी भारत भूमि से प्रेम क्यों होना चाहिए तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि हमें अपनी भारत भूमि से निश्चय ही अधिक प्रेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ की धरती सुखद समृद्धि वाली सभी वैभवों से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है ठीक है इसके बाद एक प्रश्न और है कि धरा शिरोमणि में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए तो धरा शिरोमणि में कौन सा अलंकार है मेरे प्यार बच्चों तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि धरा शिरोमणि में प्रयुक्त अलंकार का अगर नाम अनुप्रास अलंकार है कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया अनुप्रास अलंकार का चलिए यह भी प्रश्न मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया मेरे प्यार बच्चों आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला तेईस प्रश्न नंबर तेईस देखिए क्या है प्रश्न नंबर तेईस मेरे प्यार बच्चों है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए अब ये आ गया संस्कृत का गद्यांश तो संस्कृत का गद्यांश पांच नंबर के लिए पूछा जाता है इसमें भी दो होता है बिल्कुल देखिए क वाला कैसा नगरी भारतीय संस्कृति वाला यहां से लेके यहां तक है मेरे जो। मैं यहां पे खींच देता हूं यही वो का और इसका हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित अगर ये नहीं करते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और है लेकिन पहले इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र बस्ती वाला ठीक है तो चलिए इसका सबसे पहले मेरे प्यारों हम लोग देखेंगे तेईस का क का उत्तर तो तेईस का क का उत्तर सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे देखिए संदर्भ हेडिंग डाली लिखेंगे कि इस गद मतलब प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उदृत है मतलब संस्कृत के किस चैप्टर से लिया गया है वाराणसी चैप्टर से लिया गया है प्रसंग की अगर हम बात करें तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा तो अवस्थिति के विषय में बताया गया है मतलब कि वाराणसी की ऐतिहासिकता के बारे में बताया गया है इसके बाद अनुवाद हम करने वाले हैं अनुवाद करने से पहले मैं एक बार फिर उसको दिखाना चाहूंगा ताकि आप अच्छे से देख पाओ कि यही वह संस्कृत का गद्यांश है जिसका हम हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं एक थीक बार देख लीजिए अच्छे से इसका अनुवाद देखिए यहाँ लिखेंगे अनुवाद में कि नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश जो है सभी जगह फैला है मुगल युवराज कौन दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उन उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में क्या किया कराया यह उसका क्या है अनुवाद है क्लियर है मेरे प्यारों चलिए तो तेईस का क वाला कर लीजिए नहीं आता है नहीं याद हो पा रहा है बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है अथवा करके दिया एक और उसका देख लीजिए देखिए ख वाला दिया है ना अस्माक संस्कृति सदा गतिशिला वर्तते वाला यहां से लेके यहां तक मैं उसको घेर देता हूं ताकि स्पष्ट रूप से आप देख पाओ यही है अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए सेम वही काम करना है इसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है तो चलिए देख लेते हैं तो इसका उत्तर लिखेंगे का उत्तर। खो का 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 ख ख उत्तर उत्तर देखिए अथवा सबसे पहले संदर्भ संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है तो भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है संस्कृत खंड के प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है यह उसका प्रसंग है अब हम हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं हिंदी में अनुवाद करने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा देख लीजिए यही वह है जिसका हम हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं तो ध्यान से देख लीजिए इसको इसके बाद इसका अनुवाद नोट कीजिए अनुवाद में लिखेंगे अनुवाद में लिखेंगे इसको कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है इसमें दुराग्रह हट दर्मिता नहीं है जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है वह वा इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है इसकी गतिशीलता का रहस्य जो है मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है जैसे कि सत्य का सम्मान सभी प्राणियों के प्रति सम्मान भाव विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता ठीक है यह उसका मेरे बच्चों अनुवाद है हिंदी में मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों के सामने लिखा हुआ पढ़ के सुना भी दिया अच्छे से इसको नोट कर लीजिए अच्छे से इसको याद कर लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न नंबर अब आते हैं ट्वेंटी फोर प्रश्न नंबर ट्वेंटी फोर क्या है देखिए दिए गए संस्कृत का पद्यांश अभी हमने क्या करके आया संस्कृत का गद्यांश ये आ गया संस्कृत का पद्यांश तो दिए गए संस्कृत के पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए

प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उदरित मतलब है प्रसंग की अगर हम बात करें तो इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है मतलब मेरे प्यार बच्चों कि यहाँ पे जो इस पूरे के पूरे संस्कृत पद्यांश में यह किया गया है कि यक्ष जो है वो प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उनका उत्तर देते हैं और माता पिता के महत्व को दर्शाते हैं अब इसका हम करने वाले हैं अनुवाद तो अनुवाद करने से पहले एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा यही है ठीक है इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं तो अनुवाद देखिए किस कदर करेंगे हम लोग लिखेंगे अनुवाद हिडिंग लिखेंगे यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है क्या पूछता है कि भूमि से महान क्या है आकाश से ऊंचा कौन है वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है तिनके से अधिक दुर्बल मतलब छिड़ बनाने वाली क्या है तो वही युधिष्ठिर उत्तर देते हैं क्या देते हैं कहते हैं कि पृथ्वी से अधिक भारी जो है माता है आकाश से अधिक ऊंचा जो है पिता है वायु से अधिक शीघ्रगामी जो है मन है तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है ठीक है चलिए बस यही है ये मेरे प्यार बच्चों अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके नीचे देखिए मरणम मंगलम यत्र विभूति विभूषण कौपिन यत्र कोशय काशी केन मियते ठीक है इसका दे दीजिए अगर वो नहीं करना चाहते वो नहीं याद हो पाता तो ये वाला याद कर लीजिए तो चलिए हम लोग देखते हैं चौबीस का ख चौबीस का ख का अथवा ठीक है तो यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ चौबीस का ख का अथवा का उत्तर सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे संदर्भ देखिए लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी पाठ से उदृत है मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है प्रसंग की अगर हम बात करें लिखेंगे इस श्लोक में वाराणसी की पूर्ण ख्याति का वर्णन किया गया है अब हम करने वाले हैं अनुवाद तो अनुवाद हम किसका कर रहे हैं यही वाला तो इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं तो देखिए अनुवाद नोट कीजिए लिखेंगे जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है जहां कॉपी मतलब लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है अर्थात उसकी क्षमता किससे की कि जा सकती है तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं की जा सकती यह उसका अनुवाद है हिंदी में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न प्रश्न नंबर पच्चीस प्रश्न नंबर पच्चीस है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रश्न तीन नंबर का है यह मेरे प्यार खंड काव्य तो खंड काव्य तो सात आठ है तो क्या सात आठ में से कोई भी कर सकते हो जी नहीं यह जिला वाइज ठीक है आपके जिला में जो खंडकाव्य पूछा जाएगा वही खंड काव्य आपको करना होगा कोई दूसरा कर दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन बैंक में या किताब में देख लीजिएगा कि वहां पे लिखा होगा जैसे मुक्ति दूत है ना तो मुक्ति दूत के कोष्टक बना के लिखा रहेगा हर जिले का नाम कि मुक्ति दूध किन किन जिलों में पूछा जाता है या ज्योति जवाहर के नीचे इस तरह बॉक्स बनाया रहेगा उसमें जिलों का नाम लिखा रहेगा तो अपना जिला का नाम देख लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है तो वो याद करके जाइएगा वही एग्जाम में आपको करना है वैसे खंड काव्य बहुत है जैसे मुक्ति दूत है यहाँ पे देखिए ज्योति जवाहर है इसके बाद मेरे प्यार मेवाड़ मुकुट है इसके बाद अग्र पूजा है फिर देखिए नीचे जेव सुबास है फिर मातृभूमि है इसके बाद यहाँ पे कर्ण है इसके बाद करमवीर है फिर एक आपका तुमूल है तो इतने सारे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पूछा जाएगा वो एग्जाम में करके आइएगा इसके बाद 26 का क 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए अब ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसको जीवन परिचय ना आता हो और जीवन परिचय पांच नंबर के लिए आता है तीन नंबर जीवन परिचय पे दो नंबर रचना पे मिलता है तो रचना एक लिखना है एक रचना आपको लिखना ही पड़ेगा दो नंबर आपको मिल जाएगा तो भाई जीवन परचय सबको मालूम है तीन जीवन परचय दिया है जयप्रकाश भारती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भगवत इन्हीं तीनों में से किसी एक का जीवन पर्चे आपको लिखना है एग्जाम में क्लियर है चलिए आगे देख लीजिए ख वाला बोला कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए अब कवि का जीवन परिचय आ गया ये भी पांच नंबर का तीन नंबर जीवन परिचय पे दो नंबर रचना पे कौन से कवि का नाम दिया हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी माखनलाल चतुर्वेदी जी मैथिली गुप्त जी इन्हीं तीनों में से किसी एक का जीवन पर्चे आपको लिखना है ठीक है ध्यान रहे रचना लिखना है क्योंकि रचना पे दो नंबर आपको मिलेगा तो सारे बच्चों को भाई कवि और लेखक का जीवन पर्चे तो याद ही होगा इसमें कोई दोरा नहीं इसका उत्तर बताने का कोई फायदा नहीं है इसके बाद है सत्ताइस अपने ठ पुस्तक में से कंठस्थ तो श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो तो एक श्लोक लिखना है संस्कृत में दो नंबर के लिए जो इस पेपर में न आया हो तो मैं दो श्लोक आपको बता देता हूँ मेरे चो तो दो श्लोक नोट कीजिए यहाँ पे देखिए सत्ताईसवा का श्लोक तो दो श्लोक पहला है बंदम वरण वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता ये आपका मेरे चो पहला श्लोक हो गया इसके बाद दूसरा श्लोक देखिए सर्वे भवंती सुखिनम सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यंतु माँ कस दुख भाग भवे यह आपका दूसरा श्लोक है तो मैं दो श्लोक बता दिया दोनों श्लोक को याद कर लीजिएगा दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न देख लीजिए मेरे पास जो प्रश्न नंबर अट्ठाईस प्रश्न नंबर अट्ठाइस यहाँ पे है, है। प्रश्न नंबर अट्ठाईस में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दो प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए दो नंबर मिलेगा तो पहला है सर्वे यात्राणी का दृष्टता अहसन इसका आंसर बता देता हूँ दोनों का पहला और तीसरा का आंसर में बता देता हूँ दो पूछा है तो पहला का हो जाएगा सर्वे यात्राणी वाचलन त नागरिक दृष्टता अहसन और तीसरा हो जाएगा कूप नियरा नीच अस्थि अत दुखम अनुभवती यह पहला और तीसरा का आंसर मैंने बता दिया दो ही करना था दो नंबर यहाँ से क्लियर हो गए आपके क्लियर मेरे प्यार बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सत्ताईस क्लियर हो गया चलिए प्रश्न नंबर अट्ठाइस हो गया प्रश्न नंबर उन्तीस देखिए बोला कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे और सात नंबर के लिए निबंध है तो चलिए कोई एक निबंध देखते हैं चार निबंध दिया पहला विज्ञान वरदान अभिशाप सारे बच्चों को याद होगा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान ये भी याद होगा नारी शक्तिकरण ये भी याद होगा छात्र और अनुशासन ये भी याद होगा चारों ही इंपोर्टेंट है और चारों में से किसी एक का ही लिखना है तो मैं छात्र एवं उसके अनुशासन पे एक निबंध आपको दिखा देता हूँ सरूशन सात नंबर यहाँ पे क्लियर करा देता हूं अभी तो यहाँ पे देखिए हेडिंग डालिए छात्र एवं अनुशासन पर निबंध हेडिंग सबसे पहले आपकी रहेगी भूमिका भूमिका का या प्रस्तावना कही दोनों एक ही बात है तो भूमिका मिले जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए विद्या और अनुशासन दोनों आवश्यक हैं। अनुशासन भी एक प्रकार की ही विद्या है। अपनी दिनचर्या बोल चाल रहन सहन सोच विचार एवं अपने समस्त व्यवहार को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है अनुशासन है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व तो अगली हडी डालिए अगली हेडिंग में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि विद्यार्थी के लिए अनुशासित होना परम आवश्यक है अनुशासन से विद्यार्थी को सब प्रकार का लाभ ही होता है अनुशासन अर्थात निश्चित व्यवस्था से समय और धन की बचत होती है जिस छात्र ने अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली है उसका समय व्यर्थ नहीं जाता वह अपने एक एक क्षण का समुचित उपयोग करना वो मतलब समुचित उपयोग उठाता है वह समय पर मनोरंजन भी कर लेता है तथा अध्ययन भी पूरा कर पाता है इसके विपरीत अनुशासनहीन छात्र जो है आज का काम कल और कल का काम परसों पर अप अपने लिए मुसीबतें इकट्ठे कर लेते हैं यह मेरे प्यार जीवन में अनुशासन का महत्व तो हेडिंग में है फिर अगली हेडिंग आप बनाएंगे क्या कि अनुशासनहीनता के कारण अनुशासनहीनता के कारण अगली हेडिंग रहेगी लिखेंगे कि आज भारत में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनहीनता है आज का विद्यार्थी साज श्रृंगार सुख आराम की इच्छा रखता है दूसरी बात माता पिता द्वारा अच्छी तरह ध्यान नहीं देना खराब संगत है अगली रीडिंग है सुधार के उपाय सुधार के उपाय में लिखेंगे कि अनुशासन का गुण बचपन से ही ग्रहण किया जाना चाहिए इसलिए इसका संबंध छात्रों से है विद्यालय की सारी व्यवस्था में अनुशासन और नियमों को लागू करने के पीछे यही बात है यही कारण है कि अच्छे अनुशासित विद्यालयों के छात्र जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं अनुशासन हमारे हौच पौच जिंदगी को साफ तक सुलझी हुई व्यवस्था देता है इसके कारण हमारी शक्तियां केंद्रित होती हैं हमारा जीवन उद्देश्य पूर्व बनता है तथा तो तो हम थोड़े समय में ही बहुत काम कर पाते हैं और लास्ट हेडिंग रहेगी आपकी उपसंहार उपसंहार में लिखेंगे कि अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं है इसका अर्थ है व्यवस्था और इसका अनुकरण करने मतलब इसका अनुकरण करके ही जीवन में सफल हुआ जा सकता है यह इसका उपसंहार है तो मैंने मेरे प्यारोचो मैंने यहाँ पे आप लोगों को निबंध छात्र और अनुशासन पे बता दिया अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसवा जो कि लास्ट हेडिंग है क्या है मेरे प्यारोचो देख लेते हैं उसको रहा है कि अपने जन्मदिन पर मित्रों द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्रों को धन्यवाद पत्र लिखिए चार नंबर के लिए अगर ये प्रश्न नहीं आता है आपको तो आप यह अथवा कर सकते हैं वाला कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशासनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए ठीक है तो मेरे प्या दोनों में से कोई एक ही करना है मैं पहला वाला बता देता हूं कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए अगर आपका बर्थडे है कोई मित्र आपको कोई गिफ्ट भेजा है तो उसको आप थैंक यू बोलोगे ठीक है तो उसको थैंक यू बोलना है तो किस प्रकार आप धन्यवाद पत्र उसको लिख पाओगे ठीक है चलिए मैं बता देता हूँ चार नंबर भी क्लियर हो जाएगा सबसे पहले उसका एड्रेस लिखिए मान लीजिए पच्चीस टी नगर चेन्नई तमिलनाडु ये उसका एड्रेस है तो सबसे पहले उसका एड्रेस लिखिए फिर उसी के नीचे एड्रेस की जस्ट उसके नीचे आपको दिनांक डालना है फिर प्रिय मित्र अंजलि बहुत प्यार मतलब तो जो आपके फ्रेंड का नाम है उसका फ्रेंड का नाम लिखिएगा फिर बहुत प्यार इसके बाद जो भी भावना है कह सकते हैं जैसे आशा करते हूं कि तुम और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य कुशल होंगे मैं बिल्कुल ठीक हूं तूने मेरे जन्मदिन पर जो शुभकामनाएं संदेश उपहार भेजा है उसके प्रति मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करती हूं ये उपहार मेरे प्रति हमारे स्नेह का परिचायक है उपहार के रूप में तुमने जो मेरे लिए सुंदर घड़ी भेजी है वह मेरे सभी परियोजनों को बहुत पसंद आई है और मुझे तो खास तौर पर पसंद आई है। सभी लोग इस को समय का पाबंद बनाएगा मुझे घड़ी की आवश्यकता भी बहुत थी मैं भी सोच रही थी कि एक घड़ी खरीदू लेकिन तुमने मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दिया इस अमूल्य भेंट का मैं सदैव संभाल कर रखूंगी माता जी को मेरा सादर अभिवादन करना तुम्हारे प्रिय मित्र यहाँ पे नाम लिख देना तो नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप यहाँ पे क ख ग आप लिख सकते हो नाम नहीं पूरा लिखा जाता है ठीक है तो ये मेरे प्यार इसका मैं सोल्यूशन बता दिया अब मेरे ये जो पेपर है इस पेपर का पूरा डिटेल में मैंने सोलूशन बता दिया कोड है आठ सौ एक एच एफ अगर इसको संपूर्ण रूप से तैयार कर लेते हो तो ये सत्तर में सत्तर नंबर बिल्कुल आप लोगों का चौबीस फरवरी को पक्का है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मिलेंगे प्यार से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद